नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में और मैं आयुषी बल्दोत्रा। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाना चाहती हूँ जो हर साल दिवाली की आस में बैठा रहता है, जो हर साल दिवाली का वेट करता है कि दिवाली आए और हमारा रोजगार चले। वहीं जिस तरह आप लोग जानते ही होंगे, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। वो इस वजह से शुरू किया था कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते थे अपने पैसे से, और वही पैसा जब हमारे अपने सैनिकों की शहादत में लगना शुरू हो गया, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया था कि अपने देश का पैसा अपने ही देश में इस्तेमाल किया जाए, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया। वहीं आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने लाई हूँ जो हर साल दिवाली का वेट करता है ताकि वो इस चीज़ को प्रमोट कर सके। दिवाली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन शेष है। दिवाली पर लोग रोशनी करने के लिए दियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे दिए बनाने वाले काफ़ी खुश हैं कि लोग इस बार चाइनीज लाइट का प्रयोग ना करते हुए हाथ से बने दिए इस्तेमाल करेंगे। एक दिए को बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो मिलकर दिए बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। दिए के लिए सबसे पहले मिट्टी को छाना जाता है, फिर उसको गूंदा जाता है, फिर उसको चक पर आकार दिया जाता है, आखिर में उसको पकाया जाता है। मिट्टी को आकार देना भी एक कला है जो आजकल लुप्त होती जा रही है। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वो इस कला को छुपने से बचाएं और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम ये सर, आप दिए बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं, कुछ खानदानी काम है तो हम ये इस मिट्टी से जब इसे बनाए जाते हैं, मिट्टी के दिए तैयार करते हैं दिवाली के लिए। आपको कितना टाइम हो गया ये दिए बनाते हुए, मतलब कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारा खानदानी काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और जहाँ तक मेरी खुद की बात है तो मुझे भी कल लगभग 30-35 साल से मैं यही अपने मिट्टी का बर्तन तैयार करूँ, दी से बनाते हैं। सर, ये जो एक मिट्टी को आप एक कला, अपनी कला से एक मिट्टी को एक पूरे बर्तन में तैयार करते हैं, दियो में तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, क्या आप वो हमें बताएंगे? इसमें जो बनाने में आप जो दिखाई दे रहे खाली दिए, इसमें जहाँ से शुरुआत बनती है तो मिट्टी बनाने में बहुत मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत मिट्टी बनाने की होती है। मिट्टी बनाई जाती है, गूंदी जाती है, तो उसमें बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद तब जाके कहीं दिए तैयार करके लोगों के घरों में रोशनी करने के लिए तैयार की जाती है। दिवाली, अब जैसे दिवाली का पर्व सर पे है तो इसकी वजह से इस बार कोरोना के चलते आपके काम में कोई फर्क पड़ा है? जहाँ तक कोरोना का सवाल, तो पिछला जो हमारा गर्मी सीजन वो तो वैसे पूरा खराब हो गया था, तो अब आने वाला टाइम एक उम्मीद करते हैं कि जो दिवाली का सीजन है शायद ही वो हमारा अपना अच्छा लगे। तो उसके लिए कारण ये भी है कि जहाँ अभी आपने बताया कि मोदी जी ने जो बोला है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, तो उससे उसके लिए हमें उम्मीद है कि शायद हमारा काम ज़्यादा चले। और दूसरा, हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि हमारे जो मिट्टी के दिए बनाए गए अपने घरों में आपके सबके लिए, इसीलिए आप तैयार कर रहे हैं, इन्हीं दिए जलाकर आपके अपने घरों में रोशनी करें, तो उससे एक तो हमारा खुद का भी हमारा काम अच्छा चलेगा, दूसरा जो देश का पैसा है वो देश में ही रहेगा, उससे हमारे देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी। जिस पर आपने देखा, हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा, हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और हमारे अपने फौजी भाइयों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दियों को कलर किया जाता है। ये तो पूरा परिवार ही इस काम में मसरूफ है, ये देखिए।
आप लोगों ने देखा किस तरह एक मिट्टी को आकार देके, किस तरह उस पे अपनी कला का प्रयोग करके उसको एक आकार देके एक दिया बनाया जाता है, उससे एक बर्तन बनाया जाता है। आपने देखा किस तरह से वो बना रहे हैं पूरा परिवार एकजुट होकर इसी आस में कि लोग हमारे दिए ज्यादा से ज्यादा खरीदे और हमारा जो रोजगार है वो अच्छे से चल सके। इसी के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मिट्टी के दिए ही खरीदे, ना कि चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आयुषी बल्होत्रा द जेके पेजेस के साथ, धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा हमारा पेज लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि किस तरह की आपको ये वीडियो हमारी लगी। धन्यवाद।